रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्यारे बच्चों आज हम नहुम जमात का सबक नंबर दो बुलेट ट्रेन पढ़ेंगे इसके मुसन्निफ मुशतबा हुसैन हैं मुशतबा हुसैन 1936 में गुलबरगा में पैदा हुए उन्होंने मिजाहिया मिजाहिया के मायने हंसी मजाक के सफ़रनामे लिखे हैं सफ़रनामे के मायने हैं सफ़र के हालात पर किताब लिखना उसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे ट्रैवलॉग जिसमें जापान चलो जापान बहुत मकबूल हुआ मकबूल के मायने मशहूर हुआ मुशतबा हुसैन ने अपने जापान के सफ़र के हालात जिस सफ़रनामे में कलम बंद किए हैं उसमें जापान की साइंसी तरक्की को बड़े मिजा अंदाज में पेश किया है दर्ज से सबक में जापान की बुलेट ट्रेन की पुरलुत्फ अंदाज में पेश की गई है यहां पर है बुलेट ट्रेन आप सोचेंगे इसका नाम बुलेट क्यों है बुलेट के मायने है बंदूक की गोली आपको सामने तस्वीर में नजर आ रही है गोली बंदूक की गोली जिस तरह होती है इसी तरह जापान की बुलेट ट्रेन का इंजन होता है बंदूक की गोली जिस तरह बंदूक से तेजी से निकल कर जाती है उसी तरह बुलेट ट्रेन चलती है जापान की रेलगाड़ियां दुनिया की तरक्की याफ्ता रेलगाड़ियां समझी जाती है लेकिन फिर भी हमारी रेलगाड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल हम अपने वतन हिंदुस्तान की गाड़ियों में अक्सर दरवाजे दर्व, से लगे हुए डंडे से लटक कर सफर करते हैं आपने देखा होगा हम अक्सर जब ट्रेन से जाते हैं आ, हमारे हिंदुस्तान की लोकल ट्रेन से तो आप देखेंगे लोग दरवाजे से डंडे पकड़कर लटकते हुए आपको नजर आएंगे तो बड़ा लुत्फ आता है लुत्फ के मायने मजा ये सहूलत सहूलत के मायने आसानी फैसिलिटी जापानी रेलगाड़ी में बिल्कुल नहीं है वहां पर आप तस्वीर में देखेंगे कि जापानी रेलगाड़ी जो बुलेट ट्रेन है उसके दरवाजे बंद होते हैं तो उसमें लटकने का सवाल ही पैदा नहीं होता किसी से कोई बात नहीं करता जापानी रेलगाड़ी में जो प्लेटफॉर्म पर जब आप देखेंगे तो कोई किसी से बात नहीं करता इसका मतलब यह है कि जापानी लोग जो है वो खामोश तबीयत के होते हैं जबकि हमारे हिंदुस्तानी लोग जो है वो बात करना पसंद करते हैं तो मुशनफ़ ने यहाँ पर हिंदुस्तान और जापान के लोगों का आपस में मवाजना किया है और भारत की रेलगाड़ी और बुलेट ट्रेन जो है जापान की रेलगाड़ी का मवाजना किया है कंपेयर किया है एक दूसरे को भला ये सफ़र करने का कोई तरीका हुआ हम जापानी ट्रेनों में पिछले एक महीने से सफ़र कर रहे हैं मुसनफ़ कह रहे हैं कि वो जापान में एक महीने से जो है वो रेलवे में सफ़र कर रहे हैं बुलेट ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं किसी मुसाफिर ने पलटकर ये नहीं पूछा मियाँ कहाँ रहते हो कहाँ जा रहे हो आपके शहर में प्याज का क्या भाव है वगैरह वगैरह जापानी लोग ट्रेन में सफ़र करते वक्त मौन व्रत रख लेते हैं मौन व्रत के मायने खामोश रहना प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े किताबें पढ़ते रहते हैं अक्सर आप देखेंगे वहां पर लोग किताबें पढ़ते हुए नजर आएंगे यानी वो किताब पढ़ने के शौकीन होते हैं ट्रेन आती है तो किताब में उंगली रखकर ट्रेन में घुस जाते हैं और सीट पर बैठते ही फिर किताब खोलकर पढ़ने लग जाते हैं आप देखेंगे तस्वीर में फिर वो लोग किताबें पढ़ रहे हैं हमें अक्सर यू महसूस होता है जैसे हम किसी लाइब्रेरी में बैठे हैं और लाइब्रेरी के नीचे पहिए लगा दिए गए हैं उन्हें कौन समझाए कि मियाँ रेलगाड़ियों में लोग चेहरे पढ़ते हैं किताबें नहीं मुसन्फ़ यह कहना चाह रहे हैं कि ट्रेन में रेलगाड़ी में लोग आपस में एक दूसरे की खैर खैरियत दरियाफ करते हैं मालूम हासिल करते हैं मियाँ आप कहाँ जाने वाले हो कहाँ उतरने वाले हो आज कल सियासत में क्या चल रहा है प्याज का क्या भाव है आलू का क्या भाव है वगैरह वगैरह हम जापानी रेलगाड़ियों हमें जापानी रेलगाड़ियों से ये भी शिकायत है कि बहुत ठीक वक्त पर चलती है ऑन टाइम इंतज़ार में जो लज्ज़त होती है उसका मज़ा जापानियों को क्या मालूम मुसनिफ़ ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी रेलगाड़ियों में अक्सर हमें इंतजार करना पड़ता है प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े दस मिनट कभी ट्रेन 12 मिनट कभी आधा घंटा लेट होती है लेकिन जापानी ट्रेन में ये बात नहीं होती ऑन टाइम बिल्कुल वक्त पर आती है आप यकीन करें कि हमें टोक्यो में किसी भी स्टेशन पर ट्रेन के लिए दो मिनट से ज़्यादा मुसनफ़ को इंतजार नहीं करना पड़ा एक ट्रेन जाती है तो दूसरी इसके पीछे फ़ौरन आ जाती है और फिर उनकी रफ्तार रफ्तार का मतलब होता है स्पीड ऐसी तेज कि आदमी का कलेजा मुँह को आ जाए कलेजा मुंह को आना मुहावरा है इसके मायने डर जाना खौफ आना फील फ्राइटेंड। पता नहीं उन्हें कहाँ जाने की जल्दी होती है हमारी रेलगाड़ियाँ स्टेशन में दाखिल होने से पहले एक बैरूनी सिग्नल होता है वहां पर जरूर रुकती है उसके बाद जो है वो प्लेटफॉर्म पर दाखिल होती है तो आज हमने सबक पढ़ा बुलेट ट्रेन इसमें मुसनफ़ ने हिंदुस्तानी रेलगाड़ी और जापान की बुलेट ट्रेन का मवाजना बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है शुक्रिया